अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B है जी हमारे पास, हमारे पेज नंबर ये है जी हमारे पास पेज नंबर 29। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 29 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 29 पे आ जाइए तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है जी, चूज द करेक्ट आंसर। इसके अंदर हम लोग पार्ट नंबर 1 के ऊपर आ जाते हैं। विच ऑर्गन कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ऐसा हमारा कौन सा ऑर्गन है लिविंग हमारे ह्यूमंस के अंदर, देख लेंगे बाकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वो उनके अंदर हमारा कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि हमारी सारी एक्टिविटी कंट्रोल कर रहा है। दैट इज बेसिकली ब्रेन। हमारे हर कमांड होती है वो हमारे ब्रेन से आती है, दिमाग से आती है। व्हेन यू ब्रीथ इन योर लंग फिल विद एयर एंड बिकम लार्जर, जब आप अपनी सांस अंदर लेके जाते हैं हम, तो हमारा लंग बड़ा हो जाता है। जब हम लोग बाहर निकालते हैं तो वो कंट्रैक्ट रिलैक्स हो जाता है। कंट्रैक्शन और कंट्रैक्ट तब होता है जब हम लोग अंदर लेके जाते हैं, और रिलैक्स तब हो जाता है जब हम लोग एयर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। द रूट ग्रोज डाउनवर्ड, रूट्स जो होते हैं वो हमेशा जमीन के नीचे ग्रो करते हैं। अपवर्ड प्लांट ग्रो करता है, स्टेम ग्रो करती है, जबकि डीप डाउन क्या डाउनवर्ड क्या कौन मूव करता है, रूट्स करते हैं। विच ऑफ द विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रोवाइड एनकरेज कौन कौन यानी सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है, रूट्स प्रोवाइड करते हैं। द प्लांट दैट स्टोर फूड इन इट्स लीव्स इज कॉल्ड इज कैबेज, वो कौन सा प्लांट है जो कि अपना फूड अपने लीव पत्तों के अंदर स्टोर करता है, वो कौन है, कैबेज है, ठीक है, यानी बंद गोभी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वोकैबुलरी रिव्यू के ऊपर। तो नंबर 1 है इट कंट्रोल अवर एंटायर बॉडी, हमारी पूरी बॉडी कौन कंट्रोल कर रहा है अभी मैंने ऊपर बताया आपको, तो वो है हमारा जी ब्रेन। इट पंप्स योर ब्लड अराउंड योर बॉडी, ये हर्ट है, ठीक है, हर्ट HERT हर्ट, ठीक है। इट हेल्प यू टू स्टैंड अप एंड प्रोटेक्ट द सॉफ्टर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, वो कौन सी है हमारी पार्ट है जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो हमारा स्केलेटन है, ठीक है। इट इज़ अ बैग विथ इलास्टिक वॉल, ये वो कौन सा ऑर्गन है जो कि इलास्टिक वॉल्स की तरह स्टमक है। दे ब्रेक डाउन फूड इन टू स्मॉलर पीसेस, वो है प्री मोलर मोलर्स, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वन वर्ड आंसर्स के ऊपर। वन वर्ड आंसर्स के अंदर आ जाइए तो नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ द शूट, शूट के दो पार्ट्स आपने लिखने हैं, स्टेम और लीव्स। नेम टू रूट्स दैट स्टोर फूड, वो है बीट रूट और टर्निप, ठीक है, आप इस अंदर कैरेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं नेम टू स्टेम्स दैट स्टोर फूड, वो है पोटैटो, जिंजर, ऑनियन, ठीक है। नेम टू लीव्स दैट स्टोर फूड, वो है कैबेज, स्पेनिच, ठीक है, पालक और बंद गोभी, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं ऑब्जर्व एंड आंसर के ऊपर। ऑब्जर्व एंड आंसर के अंदर है जी ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर प्रोसेस, इन द पिक्चर आप इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कीजिए। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। हाउ डज द सन हेल्प द प्लांट इन द प्रोसेस, सन किस तरह से प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है ना, सूरज निकला हुआ है, प्लांट को रोशनी मिल रही है, सूरज सनलाइट मिल रही है, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हैं, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस बेटा बेसिकली क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट अपनी अपना फूड खुद बनाता है, ठीक है। प्लांट किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता अपनी खुराक के लिए, प्लांट अपना फूड खुद बनाता है। वो किस तरह से कि वो सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लेता है, और हमारे इन्वायरमेंट से वो एयर ले लेता है, ठीक है, और सनलाइट से वो सन की रोशनी ले लेता है, फिर ये चीज़ें मिक्स होकर वो प्लांट का फूड बन जाता है, दैट इज ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है। अच्छा जी, ये वाला इसके अंदर वो पूछ रहे थे कि सन किस तरह से हेल्प कर रहा है प्लांट के फोटोसिंथेसिस के अंदर, ठीक है। द सन प्रोवाइड्स लाइट एनर्जी विच इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच प्लांट मेक देयर ओन फूड, वो फोटोसिंथेसिस क्या है, वो प्रोसेस के अंदर प्लांट अपना फूड खुद बना रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं नेम द ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीव, वो कौन सा सब्सटेंस होता है जो हमारे जो पत्ते हैं उनको ग्रीन कलर कौन सा देख, क्या कौन सी चीज़ दे रही है प्लांट के अंदर, क्या होता है, क्लोरोफिल मौजूद होता है उन प्लांट के पत्तों के अंदर, जहाँ जहाँ पे वो ग्रीन कलर होता है उसको, यानी वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्रीन कलर सब्सटेंस, अब ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस यानी क्लोरोफिल है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है। क्लोरोफिल अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड ट्रांसफर इट टू द अदर मॉलिक्यूल विच आर देन यूज टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्लोरोफिल जो है वो क्या करता है, वो लाइट एनर्जी को अपने अंदर यानी सनलाइट की एनर्जी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करेगा, और फिर वो जो फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिएक्शन होना है उसके अंदर मदद करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेम अदर थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस, अब सिर्फ सनलाइट तो नहीं ना सिर्फ सनलाइट ही तो नहीं ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए चाहिए होती, और भी तो चीज़ें चाहिए होती, वो कौन कौन सी होती हैं, वो होती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन हमने एनवायरनमेंट से ले ली, न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने सॉइल से ले लिए, लाइट एनर्जी यानी सनलाइट की एनर्जी थी, कार्बन डाइऑक्साइड हमने वाटर हमने वो ले ली एयर से ले ली, एनवायरनमेंट से ले ली, और वाटर हमने ग्राउंड से ले लिया यानी रूट से अब्सॉर्ब कर लिया।
अच्छा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को जवाब देने हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्रेन? ब्रेन का काम क्या है? पीछे भी मैं बता के आई हूँ कि ये हमारी बॉडी के हर पार्ट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसका क्या होगा? द ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। इट प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसेस। इट ऑल्सो कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्शंस। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ लंग्स? लंग्स का काम क्या है? लंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्लावर? फ्लावर का फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ फ्लावर आर, नंबर वन, इसके फ्लावर के दो काम है, प्रोड्यूस सीड फॉर रिप्रोडक्शन, सीड बनाएगा, और उसके साथ 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 दूसरा काम क्या है? अट्रैक्ट पोलिनेटर। पोलिनेटर यानी इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं ताकि उसके पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो। शायद आप लोगों ने पढ़ा हो सेल्फ पोलिनाइज पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, पोलिनेशन आप लोगों ने शायद पिछले क्लासेस में पढ़ा हो। ठीक है, वो उस काम के लिए ये काम करता है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेकंड पॉइंट मुश्किल लग रहा है तो ये द मेन फंक्शन ऑफ द फ्लावर इज टू प्रोड्यूस सीड फॉर प्रोडक्शन, यहाँ तक भी काफी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ स्टेम? स्टेम का क्या फंक्शन होता है? अ स्टेम द मेन फंक्शन इज सपोर्ट लीव एंड फ्लावर, यानी कि स्टेम क्या करता है? लीव्स को, फ्लावर्स को सपोर्ट करता है ताकि वो अपनी जगह खड़े रहें। इसी तरह से वो हमारे पूरी प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है। और स्टेम एक और काम होता है कि ये क्या करता है? वाटर को और फूड को स्टोर करता है। ठीक है जी। अच्छा, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ लीव। लीव का स्ट्रक्चर आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग इधर आ जाना जरा, ये हमारे पास पेज नंबर 26 पर, तो ये वाली डायग्राम है ना, आप इसको बनाते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये था आज के लेक्चर। होप्स आपको समझ आ गया होगा। अगर आज के लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और कोई भी क्यूरी हो आप लोग मुझे फौरन एक कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगी। जैसे कि इस बुक पर डिमांड ज्यादा आ रही थी तो फिर मैंने कहा मैं लगा ही देती हूँ, एक्सरसाइज आप लोगों को मुश्किल हो रही थी। तो मिलते हैं किसी वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।